मामला आज साहू होंडा एजेंसी डीलर हैं लिधौरा के, उनके भाई की कुछ फाइलें पड़ी हुई थी आरटीओ में। आरटीओ साहब निरंतर गायब रहते हैं, चक्कर में वो फाइलें हो नहीं पाई। इस चक्कर में वो हमारी दुकान पे आए और अभद्रपूर्ण बात की, गाली गलौज की। हमने कहा आप गाली न दें कृपया, आपकी गाली देने से आपके प्रकरण को सॉल्व थोड़ी हो पाएगा। तो तमाम बातचीत होने के बाद फिर उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने कमरे से कट्टा निकाल के मेरे ऊपर फायर किया। उनका भाई और एक साथ में उनका साथी राहुल ठाकुर भी था। और इस घटना से मैं बड़ा क्षुब्ध हूँ। टीकमगढ़ के अंदर ये नई घटना है जिसमें खुलेआम गोलियाँ चलाई जा रही हैं। अपराधियों को किस किस का संरक्षण है ये जांच का विषय है, और मैं चाहता हूँ कि इस मामले में पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे और मुझे न्याय मिले। सर कितने लोग थे वो लोग, उनका मामला क्या था, उनके पास क्या फायदा पड़ी हुई थी आपकी, ये सब डिटेल में तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा। बट गोली चलना एक निंदनीय घटना है। कारण गोली चलाने के पीछे कोई विभत्स कारण होना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। गोली आदमी साधारण किसी बात पे थोड़ी एकदम गोली चला देगा आके। तो रीज़न जो वो हैं वो जब पकड़े जाएंगे तो सतह बताएंगे कि क्यों। कितने लोग थे सर? वो तीन व्यक्ति थे आगे, और उनके पीछे 8-10 लोग और मोटरसाइकिल से थे। वो एक गाड़ी से आए थे अर्टिगा से, जो उनकी खुद की है। और ये मैं उनको पिछले 10-5 साल से जानता भी हूँ, क्योंकि वो पहले मेरे पास काफ़ी आते भी थे। सर हथियार सभी लिए हुए थे कि एक ही लिए हुए? मैंने दो लोगों को देखा था हथियार के साथ जिन्होंने गोली चलाई। बाकी इस घटना के लिए आए थे तो हथियार तो लगभग सबके पास होने ही चाहिए। धन्यवाद। बंटी गोस्वामी टीकमगढ़ के निवासी, जिनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है कि प्रवेश साहू, आजेश साहू और राहुल ठाकुर द्वारा इनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की नीयत से इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिस पर धारा 307 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है, संभवतः जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर ये बताया जा रहा राहुल सिंह ठाकुर ये पुराना अपराधी है लिधौरा क्षेत्र। लिधौरा से हम संपर्क करके, लिधौरा थाने से संपर्क करके उसकी जानकारी मंगाएंगे। अपराधिक रिकॉर्ड है तो और सख्त कार्रवाई करेंगे। घटना का सर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, फाइल करते हुए भी दिखाई दे रहा है, तो उसमें आपके पास सबूत के तौर पर क्या हो रहा है? वो वीडियो वायरल हम देखकर उसमें जो भी जानकारी है उसको उसके आधार पर, और अगर कोई अन्य आरोपियों के नाम बढ़ाए जाते हैं तो उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी।